हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि सिंह आपके लिए एक नया और बहुत मजेदार सा गेम लेकर आई हूं। आज का गेम भी बहुत आसान सा है। ये एक ग्रुप गेम है, तो सारे मेंबर एक साथ गेम को खेलेंगे। गेम की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पेपर पे लिखा है मैंने पार्टी पार्टी वाला गेम, तो यही हमारा गेम है। पर गेम की तैयारी के लिए आपको ये पेपर रेडी नहीं करना है, ये सिर्फ आपको मैंने लिख के बताया है कि हमारा गेम क्या है। तो जैसा कि आपने पहले बताया कि ग्रुप गेम है, तो जितने आपके पार्टी में मेंबर हैं उतने आपको पेपर रेडी करने हैं, जिसपे लिखा था पार्टी पार्टी वाला गेम। तो हमें 6 कोई भी पार्टी के नेम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 मेंबर के अकॉर्डिंग गेम बनाया है और वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ मैंने 6 पार्टी के नेम लिखे हुए हैं और उसके आगे डाले हैं हमने यहाँ पर नंबर लिखा है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस पार्टी, कॉकटेल पार्टी, डांस पार्टी। आप अपने गेम में इन पार्टी के नेम को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी तो और भी तरीके की होती है, पर यहाँ मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने 6 इन पार्टीज के नेम लिख लिए। उसके बाद हर एक मेंबर को ये पेपर दे देना है। अभी जैसे 3 मेंबर के अकॉर्डिंग गेम रेडी किया है, आपके पार्टी में 10 मेंबर होंगे तो ये पेपर आपको 10 रेडी करने हैं। फिर ये हो गया मेंबर 1, मेंबर 2 और मेंबर 3। फिर जब मेंबर्स के हाथ में पेपर जाएगा, उनको बोलना है कि वो अपनी पसंद से कोई भी 6 नंबर लिखें। जैसे 1-6 ही लिखना है, चाहे तो वो सीरियल से लिख सकते हैं। इसे इन्होंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकंड मेंबर ने लिखा है पहले 2 नंबर, फिर 5, 1, 3, 6, 4। तो ये मेंबर की मर्जी है, बस उन्हें 1 से लेके 6 तक के नंबर हर एक पार्टी के आगे लिख देना है। इसके बाद चाहिए हमें एक डाइस और गेम हो गया हमारा तैयार। अब इस गेम को कैसे खेलना है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। हर एक मेंबर की एक के बाद चांस आती रहेगी, वो डाइस को चलते रहेंगे। तो अब गेम आपको खेल के दिखाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले मेंबर की चांस, इन्होंने डाइस चला, आ गया 2 नंबर। अब इन्होंने 2 नंबर लिखा था किटी पार्टी के आगे, तो वो इसको कट कर देंगे किटी पार्टी को। फिर सेकेंड मेंबर की चांस, इनका आया 5 नंबर भी इन्होंने लिखा था किटी पार्टी पे, तो इसको कर देंगे कट। अब थर्ड मेंबर की चांस, इन्होंने लिखा था 6 नंबर डांस पार्टी पे, तो इसको कर देंगे कट। फिर से फर्स्ट मेंबर की चांस, आया 5 पे हो गया कॉकटेल पार्टी, इसको कट कर दिया। इन्होंने लिखा था 5 नंबर किटी पार्टी पे, जो कि हम पहली वाली चांस में कट कर चुके हैं, तो सेकेंड चांस में फिर से 5 आया, जो दोबारा नहीं कट हो सकता है, तो उनकी चांस अब मिस हो गई, आगे गई 6 नंबर। थर्ड मेंबर ने भी 6 नंबर पे डांस पार्टी लिखा था, जो पहले कट हो चुका है, तो फिर से चांस आ गई हमारे फर्स्ट मेंबर के पास। इन्होंने लिखा है 6 नंबर डांस पार्टी पे। तो देखिए, ऐसे एक के बाद चांस आती रहेगी। इनकी 3 चांस आई है फर्स्ट मेंबर की, और तीनों बार में 3 पार्टी कट हो चुकी है, तो अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 3 नंबर आया, इसमें हो गया क्रिसमस पार्टी कट। थर्ड मेंबर की चांस, इसमें हो गया इनका बर्थडे पार्टी कट। तो ऐसे ही हम गेम खेलते रहेंगे। 4 आया क्रिसमस पार्टी। तो अगर सारे मेंबर ऐसे गेम खेलेंगे और सबसे पहले इन मेंबर की सारे पार्टी कट हो जाती हैं, तो हमारे फर्स्ट मेंबर ही हो जाएंगे यहाँ पर विनर। सेकेंड मेंबर, इनके भी पार्टी सारी कट नहीं हुई है, थर्ड मेंबर के भी नहीं कटवाए हैं, और सबसे अच्छा हमारे फर्स्ट मेंबर ने गेम खेला है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये इस गेम की हो जाएंगे विनर। तो आपको यही करना है कि जिस मेंबर के पेपर में लिखे हुए जितनी पार्टी लिखी आपने, सबसे पहले कट हो जाएंगी, वो इस गेम की हो जाएंगी विनर। आप चाहे तो एक और इसमें आप विनर रख सकते हैं, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो जिस मेंबर का सबसे पहले न्यू ईयर कट हो जाएगा वो भी एक विनर हो सकता है। तो आप अपनी पार्टी में अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 विनर रख सकते हैं। तो ये आसान सा मजेदार सा गेम आपको कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि गेम बहुत आसान सा है और बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, और सबको मजा भी बहुत आता है। मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।